अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस हफ़्ते का व्लॉग। इस बार तो पूरे हफ्ते बारिशें रही हैं, मंगल से बारिश स्टार्ट हुई है, तो आज फ्राइडे है, आज भी बारिश हो रही है और मैं बाहर ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इतनी ठंडी लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वॉक करते जा रही हूँ और रिकॉर्डिंग करते जा रही हूँ। और इस बार हमने बहुत सारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट किया है घर में। इशाल का एक प्रोजेक्ट भी था, तो उसके लिए मैंने बनाना था पेंगुइन का, ऑल अबाउट पेंगुइन्स, तो मैंने उसके लिए पेंगुइन्स बनाई थी। फिर इशाल की पिकनिक भी थी पिछले हफ्ते, तो वो पिकनिक भी जाके आ गई थी दुबई डॉल्फिन एरियम में, तो उसकी टीचर ने पिक्चर शेयर करी थी, यहाँ पे मैंने वो पिक्स भी डाल दिए। जहाँ मैं ट्यूसडे के दिन इंटरव्यू गई थी, वहीं वेडनेसडे के दिन मुझे कॉल आ गई थी सेकेंड राउंड के लिए। उन्होंने बोला आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई है, तो आप थर्सडे को फिर आ जाओ सुबह 8:30 बजे। सुबह जब हम सब रेडी हो गए तो रमीश बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं पागल हूँ कि 3 दिन से जाग रहा हूँ, मैं बंदा हूँ कि कौन हूँ मैं। तो फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने बोला शायद चलो कपड़े चेंज करो स्कूल जाओ, फिर उसको स्कूल ड्रॉप करके आ गई। पहले मुझे गाड़ी की टेंशन नहीं थी क्योंकि घर भी दुबई में था, ऑफिस भी दुबई में था, और रमीश जो थे वो अपनी गाड़ी यूज़ करते थे उनके काम के लिए, तो वो घर वाली कार जो थी वो मैं ही यूज़ करती थी आने जाने के लिए। लेकिन जब से रमीश ने पार्टनर रखा तब से मुझे मसला हो गया, क्योंकि फिर पार्टनर को वो काम जो जिस गाड़ी पे करते हैं वो गाड़ी दे के आनी होती है, और फिर पर्सनल गाड़ी से वो आना जाना करते थे। तब से बस मुझे रमीश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा कहीं भी आने जाने के लिए, हॉस्पिटल, ग्रोसरी, बच्चों को कहीं लेके जाना है घुमाने फिराने, तो रमीश आएंगे तो ही जाएंगे, रमीश की जब छुट्टी होगी तभी जाते थे। इशाल जब छोटी थी तो तब मेरे पास कार थी ना, तो मैं इशाल को कहीं भी लेके जाती थी, जहाँ भी मैं देखती थी बच्चों की कोई एक्टिविटी हो रही है तो रमीश का वेट नहीं करना पड़ता था, बस चली जाती थी उठा के उसको। वैसे भी इल्हाम छोटी थी तो मैं सोची थी थोड़ा टाइम इल्हाम के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि इशाल के टाइम पे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ मुझे 15 दिन की लीव मिली थी मैटरनिटी लीव, लोगों को 45 डेज की मिलती है, मुझे सिर्फ 15 दिन की मिली थी। और फिर इशाल मतलब मुझसे दूर हो गई थी, मुझे पहचानती नहीं थी कि मैं उसकी माँ हूँ, मतलब तो मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करती थी, घर आते आते 7:30 बज जाते थे, कभी कभी 8-9 अगर देर हो गई तो, और इतनी दूर ऑफिस था मेरा घर से। और इशाल की तो मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि उसी विला में जहाँ हम लोग रहते थे बाबा का रूम भी था, तो मैं अपने रूम से बाबा के रूम में बस इशाल को ड्रॉप कर देती थी, बाबा की जो वाइफ थी वो उसको लुक आफ्टर करती थी, और सुबह में सारा पैम्पर, उसके मिल्क वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कुछ दे देती थी, तो पूरा दिन बाबा और उसकी वाइफ ही उसका ख्याल रखते थे। ज़्यादा टाइम तो वो बाबा के साथ ही रहती थी क्योंकि बाबा उसको बाहर ले जाता था, मॉल में सामने ही गजाल मॉल था तो वो वहाँ पे ही पूरा टाइम स्पेंड करता था, मेरा वेट करता था जब मैं ऑफिस से आ जाती थी, पहले मैं उसको मॉल में जाके मिलती थी, वहाँ से उसको पिकअप करती थी इशाल को, फिर वहाँ से मैं इशाल को पार्क ले जाती थी, रमीश का वेट करती थी, रमीश जब आ जाते थे फिर हम लोग घर जाते थे, फिर खाना बनाते थे, फिर खाना खाने के बाद में वापस से जाते थे बाहर वॉक करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए। तो वो टाइम भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। लेकिन उस टाइम पे मतलब मेरे पास कार भी नहीं थी, उस टाइम मैं बस से आया जाया करती थी, और जब कार नसीब में हुई तो जॉब ही चली गई। फिर मैंने अपने दिल में सोचा चलो जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता इसमें अल्लाह की कोई रज़ा होगी इसलिए शायद से मैं नहीं गई, क्या पता कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है। और मैंने ये भी बोला कि चलो उनको भी नींद पूरी हो जाएगी, तो क्योंकि उनको पूरी रात काम करना होता है, उनके पास दिन में ही टाइम होता है सोने के लिए। मैंने बोला ठीक है चलो अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अजमान में ही करती हूँ, मैं दुबई के लिए नहीं करूँगी, क्योंकि दुबई के लिए ना बहुत लंबा टाइम चाहिए, 2 घंटे जाने के लिए चाहिए, 2 घंटे आने के लिए चाहिए, तो सारा टाइम इसमें ही वेस्ट हो जाएगा आने जाने में। तो बंदा अगर जॉब करेगा 9 घंटे या 10 घंटे की तो पूरा दिन तो बाहर ही कटेगा, बच्चों के लिए क्या टाइम निकालेंगे फिर। इसीलिए मैंने माइंड बनाया कि बस अजमान की जॉब जो भी होगी वही अप्लाई करूँगी, अजमान में इतनी जॉब्स तो आती नहीं है, बहुत 1-2 जॉब आती है रोज़ की, तो बस वही अप्लाई करूँगी, नसीब में जो होगा लगना होगी तो लग जाएगी, मैं बस ट्राई करते रहती हूँ अपनी तरफ से। तो आज मैंने बनाए हैं चिकन और वाइट लोबिया, जैसे मैं वाइट चने बनाती हूँ वैसी रेसिपी है इसकी, एकदम सिंपल, सारे घर के मसालों से जो भी मसाले होते हैं, हल्दी मिर्चे, धनिया, ज़ीरा, कलौंजी, दही, ये सब चीज़ें डाली हैं। और इल्हाम पूरा टाइम मेरे हाथ में रही है, बस जब से इसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराई है तब से ये बहुत मेरे पीछे लगती है और बस बोलती है मुझे गोद में ही लेके सारे काम करो, मेरा हाथ आजकल इतना दर्द कर रहा है ना, मैं ही जानती हूँ। तो लोबिया और चिकन अच्छी तरह से पक गए थे, मैंने पानी डाल के भी इसको पका लिया था, मुझे बस इतनी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो अब मैं इसको गार्निश कर देती हूँ गर्म मसाले से और
धनिया और थोड़ा सा थोड़ी सी काली मिर्च और लेमन। सारे काम मुझे उल्टे हाथ से करने पड़ रहे हैं क्योंकि लहान मेरे हाथ में है और मैंने धनिया भी पता नहीं कैसे एक हाथ से काटा, बस मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया, इतना बड़ा बड़ा काटा है। बस ये रेडी हो गया था, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। इशार को भी भूख लगी थी तो बस हमने खाना खा लिया। अब यहाँ पे हल्की हल्की धूप थी और घास उगी हुई थी। इशार को मैंने बोला ऐसे लेट के रिलैक्स करो, अच्छा लगेगा तुम्हें, तो मैंने उसकी 2-3 पिक्स बना ली। ऐसे इतनी प्यारी लग रही थी, धूप उसके मुँह पर पड़ रही थी एकदम गोल्डन गोल्डन। ठंडी और बारिश की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा घास हो गई है। ये हमारे घर के सामने ही है मस्जिद के पास, तो हम लोग आजकल यहाँ पर ही बैठते हैं, धूप वगैरह सेकते हैं थोड़ी देर, और इशार और इल्हाम रमल में खेलते हैं। ये इशार के स्कूल की क्लिप है। इशार को आज मैंने डेंटिस्ट बनाया था, उसने बोला है कि मुझे बड़े होकर डेंटिस्ट बनना है, तो उसकी स्कूल में आज शो एंड टेल एक्टिविटी है, तो इशार उस पर परफॉर्म कर रही है। कुरान के फ्रेम पे बैठी है, इशार को जब भी कुरान पढ़ाती हूँ उससे ले लेती है और उस पर बैठ जाती है। What? Give me this. Give me the frame. दोपहर का 12 बज रहा है, अभी ब्रेकफास्ट खाली किया है हमने और इल्हाम अभी तक सोए भी है, तो इशार ने खाली नाश्ता कर लिया है। अभी बोलती है कि बस मेरे को ये बना के दो। आजकल ये सोशल मीडिया पे नया ये चल रहा है, तो इसको बोलते हैं पेपर फ्रूट ईटिंग लिप्स, तो ये मैंने बना लिया है। इसके सारे फ्रूट चिप्स वगैरह जो भी चीज़ें जो भी फीड करानी सब बना ली है। अब इसको कट करना है और इसको फीड कराना है, तो इशार भी कट करते जा रही है, कलरिंग करते जा रही है मेरे साथ में, और हम लोग दोनों बैठ के ये काम कर रहे हैं सुबह सुबह। बाबा और रमीश तो गए हॉस्पिटल, बाबा को चेकअप कराना था, उस ट्यूज़डे को तो हो नहीं पाया था, तो इसलिए फिर वेंसडे के दिन गए, तो अब रमीश आएंगे नहीं, वहाँ से ही वो काम पर चले जाएँगे, तो बस हम लोग घर में ही हैं। और बाबा भी पता नहीं कितने बजे तक आएगा। इल्हाम सोई भी थी तो फिर मैंने इशार के लिए बनाया, जब इल्हाम उठी तो फिर दोनों लड़ने लगे, फिर मैंने इल्हाम के लिए भी बनाया। मोल जूस बनाना। गुड जॉब। आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा गरज वाली, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इशार डर रही है थंडर की आवाज़ से। दोपहर का 3 बज गया था तो मैं चाय बनाई थी रमीश के लिए, फिर साथ में मैंने दाल को भी मतलब बॉईल कर लिया था, माश की दाल थी, तो मैं सोचा आज दाल माश बनाऊंगी। तो रमीश उठे तो रमीश बोलते हैं कि गोश्त दाल लेके आ, फिर मैंने बोला मैं नहीं जा रही हूँ अभी लेने के लिए, तो बोलते ठीक है उसको कॉल करो आ जाएगा। फिर मैंने उसको कॉल करके गोश्त मंगवा लिया, जब तक कि मैंने मसाला भून के सारा कुछ रेडी कर लिया, दाल भी बॉयल करके रख दी थी क्योंकि दाल माश में तो बॉयल पहले से करते हैं ना, और दाल गोश्त बनाते तो साथ में डालते,
तो मैंने दाल भी बॉईल हो चुकी थी, मसाला भी बन गया था, बस गोश्त का वेट कर रही थी मैं। तो मसालों में मैंने एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको हल्का सा ब्राउन करके अदरक लहसुन टमाटर, दो टमाटर और तीन हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, वो डाल के मसाला भून लिया। फिर बाकी के ड्राई मसाले डाले, हल्दी मिर्ची धनिया ज़ीरा सब एक एक चम्मच डाला मैंने, और हल्दी आधा चम्मच। बस सारा मसाला मेरा भून गया था अच्छी तरीके से, लेकिन मैं गोश्त का वेट कर रही थी। फिर गोश्त आते आते आधा घंटा हो गया, फिर गोश्त ला के मैंने वॉश किया, फिर इसको एक कप पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। इल्हाम आ गई, इल्हाम मुझे बोलती है मम्मा बूबू हो गया है। बूबू मतलब उसकी चोट लगी है या फिर किसी चीज़ ने काटा है, तो वो बूबू बोलती है। तो मच्छर ने काटा था, उसने खुजा लिया है, उसमें से ब्लड आ रहा है, तो वो मुझे दिखाने आई थी। यहाँ पे मैंने गोश्त में एक कप पानी डाला है और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से बंद करके गलने के लिए छोड़ दिया। दाल तो वैसे ही 70% तक कुक की हुई है, खाली बस एक सीटी लेनी है और ये दाल अच्छी तरह से पक जाएगी गोश्त के साथ में। ये जो सामने अंडे रखे हैं, ये मैं इशाल के प्रोजेक्ट के लिए सेव कर रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने पेंगुइन बनानी है अंडों से। तो मैं रोज़ जब इल्हाम के लिए अंडा बनाती हूँ तो वो इधर रख देती हूँ। बाहर बारिश हो रही है तो मैंने सोचा चलो चिप्स तल लेती हूँ बच्चों के लिए और चाय बना लेती हूँ। वैसे भी इशाल नीचे चली गई है, इल्हाम और मैं बस हमने जाना है, तो मैंने बोला ये बना के चाय लेके नीचे चले जाऊँगी, इशाल भी पी लेगी और मैं भी पी लूँगी, ठंडी भी बहुत हो रही है। ये जो चिप्स हैं ये पाकिस्तान से मिलाई थी, कप के पड़े थे, आज मैंने सोचा इनको थोड़ा सा तल लेते हैं। तो बस हम लोग नीचे आ गए, इशाल पहले से आई हुई थी, इशाल अकेले ही खेल रही, उसके फ्रेंड्स अभी कोई भी नहीं आए, तो मैंने इसके लिए चिप्स और चाय लेके आ गई हूँ। नीचे इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, एकदम अंधेरी छाई हुई है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, रात भर बारिश हुई है और सुबह से बारिश लगी हुई है, एकदम बारीक बारीक सी बूंदें पड़ रही हैं। तो मगरिब के बाद हम लोग ऊपर आ गए, फिर ऊपर आते ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया बनाना, गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें 3 गिलास पानी डाल के और दाल डाल के इसको बस एक विसल और ले लूँगी और ऊपर से गार्निश कर देंगे। बस ये रेडी हो गई दाल भी, साथ में मैंने राइस भी रख दिए क्योंकि ये दाल गोश्त राइस के साथ अच्छा लगता है, तो राइस बना लिए मैंने। खाना बन गया था, खाना खाने के बाद में हमने फिर ये काम स्टार्ट कर लिया, विशाल का प्रोजेक्ट बनाना था ऑल अबाउट पेंगुइन्स। तो मैंने पेंगुइन्स एग से बना रही हूँ, पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ करी, उसके बाद में पूरा मैंने ब्लैक पेंट से इसको पेंट कर लिया और सुखाने के लिए रख दिया। इल्हाम और इशाल दोनों मेरे बाजू में खड़े हैं, इशाल बोलती है मैं पेंट करूँगी, इल्हाम बोलती है मैं पेंट करूँगी। इल्हाम रो रही है और एक अंडा तो उसने ऐसे ही तोड़ दिया, मतलब कि उसको मैं दे रही नहीं थी, गुस्से से उसने तोड़ दिया। बस सुखाने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, इसके लिए जब मैंने प्लेट में सुखाया मैंने थोड़े सबको उल्टा करके रखा था, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे क्योंकि आपस में पेंट उनको लग गया था, तो थोड़े से मैसी वर्क था, लेकिन प्यारे दिख रहे थे, क्यूट से बने थे एकदम। इल्हाम रोज जा रही थी तो फिर मैंने उसको यहाँ पे बिठा लिया, फिर मुझे बोलती है मुझे पेंट करना, तो मैंने बोला ठीक है तुम कर लो। बस इस तरह ही सारे एग्स पेंट कर दिए और सुखाने के लिए मैंने प्लेट में रख दिए उल्टे करके। सुबह का 7:30 बज गया है, आज इंटरव्यू तो मैं गई नहीं हूँ, तो इशाल को मैंने ड्रॉप कर दिया और इल्हाम मेरे साथ है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, बारिश हुई है अच्छी खासी। 11:30 बज गया, इशाल को लेने जा रही हूँ, बारिश अभी तक हो ही रही है हल्की हल्की, सब जगह पानी भर गया है।
इल्हाम तो घर पे सोई भी थी तो मैं अकेले आ गई हूँ, तो बस मैंने सोचा थोड़ी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा था। सूरज नहीं निकला, अभी मगरिब होने लगी है और पूरा दिन बादल ऐसे ही छाए रहे हैं और पूरा दिन बारिश लगी थी। अभी मैंने बस रोटी ले ली है और अपने लिए ज़ाफ़रान मिल्क लिया है और इशाल अभी तक खेल रही है। अभी अजानें होने बाकी हैं, अभी हो गया अजानों का टाइम, तो बस फिर चले जाएंगे घर, क्योंकि कल वैसे भी फ्राइडे है तो इशाल की स्कूल भी है सुबह। फिर जल्दी सोने की ट्राई करेंगे। तो आज मैं दूसरा काम स्टार्ट करने लगी हूँ। एग्स हमारे अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे, तो ये जो बॉक्स है ये मैंने ग्रोसरी से ले लिया था, ये फ्री मिल गया था मुझे, तो इसी के अंदर हम बनाएंगे पेंगुइन्स का घर वगैरह। ग्लूगन से मुझे स्टिक करना था लेकिन ग्लूगन मेरी जाम हो गई थी, पता नहीं उसमें क्या फंस गया था। मैंने खोल के ट्राई किया साफ़ करने के लिए लेकिन फिर भी वो नहीं हुई, फिर लास्ट में मुझे फेंकनी पड़ी और बाकी फिर मैंने डबल सेट टेप से सारा काम किया। बॉक्स मैंने दो तीन दिन पहले ही ला के रख दिया था, यहाँ टेबल पे रखा था, क्या पता इल्हाम उसके ऊपर चढ़ गई थी, वो टूट गया था साइड से, तो फिर मैंने उसको टेप लगा के और ग्लू लगा के वेट रख के सुखाने के लिए रख दिया। बाद में मैंने बस इसका जो कवर था वो भी ऐसे ज्वाइन कर लिया टेप की मदद से, और फिर एक ब्लू कलर का मेरे पास फैब्रिक था तो ये मैंने पानी का पूल बनाया था तो उसके लिए रखा। बाद में सारे ग्लू लगा के मैंने कॉटन को स्टिक कर दिया। कोई भी काम करने चाहती हूँ तो इल्हाम पहले आ जाती है, तो वो बोलती है बस मुझे भी करना है, तो वो मेरे से सारे कॉटन बॉल्स उसने ले गई और सारे जगह में फेंक दिए। फिर यहाँ पे मैंने ग्लू से लगा दिया था तो उसने फिर वापस निकाल दिए, तो वो मेरा काम और बढ़ाते जा रही थी बस, और सारा ग्लू उसने बेड के ऊपर फेंक दिया था।
पापी पे बनाने जा रही हूँ एग्लू, पेंगुइन्स के लिए घर बना रही हूँ। तो मैंने टिश्यू पेपर लिया यहाँ पे, ये अच्छा थिक वाला टिश्यू पेपर है, और ये मेरे पास टेप एक था, यूज टेप, उसका ये अंदर का शेल था, तो उसी के अंदर मैंने टिश्यू ऐसे स्टफ़ करके ऐसे जैसे ग्लू होता है उसकी शेप में बना लिया था। साथ में मेरे पास एक एम्प्टी टॉयलेट टिश्यू रोल था, तो उसको मैंने थोड़ा सा कट करके इसको भी साथ में अटैच कर दिया। अभी मैंने जहाँ पे इग्लू रखना है वहाँ पे भी थोड़ी आइस रखनी है, तो फिर वहाँ पे भी मैंने कॉटन्स लगा दिए सब तरफ। फिर मैंने क्लाउड्स बना के वो भी लगा दिए, 4 क्लाउड्स बनाए मैंने, वो भी कॉटन के बनाए, और इसको मैंने ग्लू लगा के अटैच कर दिया इग्लू को। सारी चीज़ें मेरे पास घर पे ही थी, कॉटन बॉल्स भी पड़े हुए थे बहुत पुराने ये, और ये इशाल की जो बुक कवर होते हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ कार्डबोर्ड के लिए, तो बाकी ग्लू वगैरह जो स्टेशनरी का सामान होता है वो तो घर में होता ही है। और अंडे, अंडे भी मैंने घर में जमा किए थे, तो सारी चीज़ें बस यूज़ आइटम से ही बन गई थी। साइड में मैंने एक स्नो का माउंटेन बनाना था, तो मेरे पास एक लाइट पड़ी थी, ये लैंटर्न में होती है रमज़ान लाइट में, तो उसमें से मैंने निकाली थी, उसको भी मैंने टिश्यू पेपर से कवर करके ऊपर से मैंने कॉटन रख दिया, तो बस ऐसे लगता था कि मतलब छोटा सा एक पहाड़ है। मतलब ये जो लाइट है मैंने इग्लू में रखनी थी, लेकिन इग्लू में आ नहीं रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, इसके लिए मैंने ऐसे साइड में रख दी और उसको कवर कर दिया कॉटन के साथ में। और अब लाइट लगाने से एक थोड़ा लुक अच्छा हो गया, थोड़ी लाइट हो गई घर के अंदर। अब तक इलहाम ने एक और एग तोड़ दिया था, अभी मैं बना रही हूँ आईज और उसके मुझे बीक बनानी है, तो फिर मैंने मार्कर से बना ली थी, और मैंने बीक जो थी और लेग्स थे वो मैंने एक ऑरेंज कलर के पेपर से बनाई। कितनी सारी पेंगुइन्स के जो फेस थे ना उस पर ब्लैक ब्लैक कलर लग गया था, क्योंकि एक ही जगह पर मैंने सुखाए थे। अगर से मेरे पास एग ट्रे होती तो मैं उस पर सुखाती हूँ, लेकिन मैंने एग ट्रे जब भी लेके आती हूँ मैं एग ट्रे फेंक देती हूँ और एग जैसे ही फ्रिज में लगा देती हूँ, तो इसीलिए सारी और ज़्यादा गंदी दिख रही थी, लेकिन इसको अगर और सफाई से बनाए ना ये बहुत ही प्यारी दिखती है। इल्हाम एग वाली पेंगुइन मांग रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए ये पेपर वाली बना दी, क्योंकि मुझे मालूम है वो तोड़ देगी, जब वो सो गई तो मैंने उसके लिए बनाई। फिर बाद में मैंने पेंगुइन्स के विंग्स भी कलर किए और उसको भी अटैच कर दिया। ये सब कलर की वजह से सारे गंदे हुए हैं, मतलब कलर अगर नहीं करना पड़ता तो फिर अच्छे रहते। और जो पेंगुइन्स मैंने पेपर वाली बनाई थी उसको भी मैंने हाथ से ही कलर किया, इसके लिए वो भी गंदी हो गई हैं, मतलब क्यूट हैं लेकिन बस गंदी दिख रही हैं ऐसे। तो हमारी क्यूट सी पेंगुइन रेडी हो गई थी, और मैंने इनके नीचे कार्डबोर्ड लगा के इनको ऐसे जगह जगह खड़ा कर दिया था, और साथ में फ़िश डाल दी थी इनके आगे, और 2 पेंगुइन मैंने पूल में बिठा दी थी, और ऐसे एक घर के पास इग्लू को मैंने मार्कर के साथ में डिज़ाइन कर दिया था, तो बस ये रेडी हो गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, इशाल को बहुत अच्छी लगी। आज फ्राइडे है और इशाल का स्कूल बंद है, सर्कुलर आया था कि बैड वेदर कंडीशन की वजह से आज छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेगा, मतलब KG से क्लास 4 तक, बड़े बच्चों के लिए चालू है। तो फ्राइडे तो वही नॉर्मली मैं पुलाव बना रही हूँ, लेट उठे थे सो के 12 बजे, इशाल और मैं ही उठे हैं, बाकी तो सब सो रहे हैं, रमीज भी सो रहे हैं, इशाल इल्हाम भी सो रही है, तो बस मैं चिकन काट लेती हूँ। पहले चिकन कटा हुआ ही आता है, बाकी बड़े बड़े पीसेस में आता है, तो बस मुझे छोटा छोटा करना होता है अपने हिसाब से, तो बस चिकन काट के मैंने वॉश कर लिया। फिर मैंने 2 ऑनियन लिए बड़ी और उसको स्लाइस कर लिया, साथ में ही मैंने टमाटर भी ले लिए थे, 3 टमाटर इनको चॉप कर लिया था, और हरी मिर्चें तो 3 ही, हरी मिर्चें लाना भूल गए इस बार हम लोग,
और अदरक लहसुन भी थोड़ा सा ही बचा है, अब ये लास्ट है और इसके बाद में मैं वापस पीस लूँगी। एक हफ्ता डेढ़ हफ़्ता चल जाता है इतना मैं पीसती हूँ बस, ज़्यादा नहीं पीसती हूँ क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। इसमें ऑयल मिला के थोड़ा सा रख देती हूँ तो फिर एक डेढ़ हफ़्ता निकल जाता है। ऑनियन स्लाइस करके मैंने कुकर में डाल दी और साथ में गरम मसाले डाल दिए और इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में मैंने इसमें एक चम्मच धनिया और एक चम्मच सौंफ डाल दी। फिर इसमें मैंने डाली अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई मिर्चें थी एक चम्मच, क्योंकि हरी मिर्चें तो थी नहीं तो इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी, और काली मिर्च भी इस बार थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी। उसके बाद चिकन ऐड कर दिया और तीन चम्मच मैंने नमक डाल दिए क्योंकि 3.5 कप राइस थे। साथ में ही मैंने रायता भी बना लिया, बस उसमें चटनी डाली, दही डाला और नमक डाला, थोड़ा सा पानी ऐड किया, बस रायता भी तैयार हो गया। सारे लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे अब तक, रमीज़ और इशाल और बाबा, आजकल इशाल रमीज़ के साथ जा रही है, वो उसको अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ने। तो मैं अब एक हाथ से सारे खाना बना रही हूँ क्योंकि इल्हाम आ गई है मेरी गोद में, और टमाटर में डाल रही हूँ एक हाथ से, वो जा रही नहीं है उसके अंदर। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके एक हाथ से पूरा मसाला भुना, कितनी देर तक इल्हाम मेरे हाथ में रही और मेरा हाथ दर्द कर रहा था। फिर रमीज़ आए नमाज़ पढ़ के, तो फिर उन्होंने कहा है कि इल्हाम आ जाओ मेरे पास, तब वो गई है, नहीं तो तभी भी नहीं जा रही थी। फिर मैंने इसमें दही भी डाल के और टमाटर डाल के सब मसाले डाल के इसको अच्छा भूना। भूनने के बाद इसमें पानी डाला 3 कप, क्योंकि 3.5 कप राइस थे। फिर राइस डाल के इसको मैंने बंद कर दिया और 3 विसल ली, और 3 विसल के बाद जब ठंडा हो गया तब मैंने खोल के इसको सर्व किया। कुकर मैंने बंद कर दिया था, तो फिर साथ में ही मैंने सैलड भी बना ली और इल्हाम के ओट्स भी ख़त्म हो गए थे, उसको भी रिफ़िल कर लिए। राइस हमारे पक गए थे, तो अभी मैंने कुकर खोला है ठंडा होने के बाद। अब सब लोग आ गए नमाज़ पढ़ के, अभी मैं इन लोगों को सर्व कर दूँगी सबको। तो राइस अच्छे पक जाते हैं, इसमें एकदम सॉफ्ट बनते हैं और ऑयल भी इसमें कम लगता है। पतीली में बनाती हूँ तो 4.5 चम्मच ऑयल डालती हूँ, तभी भी नज़र नहीं आता है, और कुकर में बनाती हूँ तो 3 चम्मच ऑयल डालती हूँ, तो एकदम अच्छे और नरम राइस बनते हैं और ऑयल भी बराबर रहता है। तो बस अब हम खाना खाने जा रहे हैं, गर्मा गर्म पुलाव, साथ में सैलड एंड रायता। माशाल्लाह इतनी अच्छी बारिश हो रही है, एकदम तेज़ वाली। इल्हाम अभी उठी है, सो के 3 बज रहे हैं, रमीज़ वापस हो गए खाना खा के, थोड़ी देर से निकलेंगे वो। माशाल्लाह बहुत बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। इल्हाम को मैंने वॉल की तरफ मुंह करके बिठाया क्योंकि जो स्ट्रॉलर है ना उससे उसके पैर कवर नहीं होते हैं, तो भीग जाती है, तो रोती है जब पानी गिरता है ना उसके बाद, तो रोती है। इशाल भी भीग रही है, मैं भी और इल्हाम भी, इल्हाम के तो पूरे पैर भीग जाएंगे, इल्हाम के हाथ भी भीग रहे हैं, पैर भी भीग रहे हैं। सॉक्स वॉक्स पहनाए हैं मैंने, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होना है। इल्हाम का मूड अभी ठीक नहीं है, अभी तो उठी है सोके। अभी इतनी ज़ोर की बारिश आ रही थी, अभी बारिश रुक गई, बस हम ग्रोसरी जाके आ गए, अभी बस ऐसे वॉकिंग करेंगे, इल्हाम को थोड़ा मूड उसका अच्छा हो जाए, फिर वो खेलेगी। वैसे भी जब बारिश होती है ना मैं उसको उतारती नहीं हूँ स्ट्रॉलर से, क्योंकि ये पूरे गंदे पानी में जाती है सीधा, इसलिए बस मैं इसको ऐसे स्ट्रॉलर में घुमाते रहूँगी सब जगह। लुक एट द बर्ड्स, दे आर हैप्पी टू, या सी दे आर ईटिंग। हम लोग बर्डी देर सिटिंग। नहीं रुके, बहुत ठंडी हो रही है इसलिए हम ऊपर आ गए, चाय बना के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे गरम गरम। इल्हाम कचरा बच्चा मेरी गोद में है, बोलती है बस गोद में ही रखो मुझे, नीचे मत उतारो, ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है नीचे, बहुत ही ज़्यादा। गर्मा गर्म चाय और पॉपकॉर्न और साथ में बारिश, क्या कहने, इंजॉय। पूरा दिन इशाल बस ड्राइंग क्राफ्ट करते रहती है। अभी इसने नया बनाया गेम,
आज मेरी हेल्प नहीं ली, आज खुद ही बना लिया। एक गर्ल बनाई है और उसको बोलती है मैंने मेकअप करना है, तो ये मेकअप गेम है, तो मुझे करके दिखा रही है। तो पहले उसने वो लगाया है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद में वाइटनिंग क्रीम लगाई, फिर लिप बाम लगाया, फिर लिपस्टिक लगाई, फिर आई शैडो, फिर ब्लश लगाया। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।